हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप चैनल से अपने चैनल में यानी कि प्रीति मेकअप चैनल में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको पूरा अपना फुल आउटफिट दिखाया है। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेस पे गुलाब जल लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक बॉटल में, स्प्रे वाली बॉटल में गुलाब जल रख ली हूँ। इसी से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है, टोनर है, अगर आपके पास टोनर है तो बेस्ट ऑप्शन है, आप टोनर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए ले रही हूँ जेल लाइनर। इसमें आपको दो शेड मिल जाते हैं, ब्राउन और ब्लैक, तो मैं ब्राउन वाले से फिल करूंगी अपनी आईब्रो को। इसी में आपको ये ब्रश मिल जाता है, फ्लैट ब्रश, आप इसी की हेल्प से अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। इसकी खास बात मुझे यही अच्छी लगती है कि आप इससे अपने आईब्रो को भी फिल कर सकते हो, प्लस लाइनर भी लगा सकते हो, काजल भी लगा सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छे से आपको आईब्रो को ये फिल कर देता है। इसके बाद हम अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर लेंगे। नाइबे का कंसीलर इसी पूरे आईलेट पे आपको लगाना है। ये देखिए, जहां आपने आईब्रो के नीचे भी आपको जस्ट हल्का सा लगाना है, इससे आपकी आईब्रो का शेप बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है। ये देखिए हल्के हल्के से अपने ब्लेंडर को गीला कर लेना है आपको, और जो आपका एक्स्ट्रा पानी उसे निकाल देना है लेंगे। ये देखिए अच्छे से ही आपको ब्लेंड करना है, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना बने जब आप मेकअप करो अपना, तो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए। हम अपने कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर लेंगे, जो है एनवाईबे का। हल्के हल्के से आपको सेट कर लेना है। ये देखिए अच्छे से ही। इसके बाद मैं ले रही हाफ एंड हाफ का पैलेट, देखिए ये वाला, और जस्ट आपको क्रीज लाइन में अप्लाई करना है बस। हल्के हल्के से आपको इस तरीके से ब्लेंड आउट कर लेना है। ये मोर्फी का पैलेट, और उसमें से मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगी। ये देखिए ये वही ब्रश से इसको मैं अप्लाई करूंगी, यानी कि ब्लेंड आउट करूंगी जस्ट क्रीज में। जस्ट हल्का हल्का सा आपको अप्लाई करना है। देखिए हल्के से आपको ब्लेंड आउट करते हुए इसको अप्लाई करना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये ब्लैक टच दूंगी, हल्का सा, इसी ब्रश की हेल्प से। कॉर्नर पे हमें ज्यादा अप्लाई करना है, इनर कॉर्नर पे हल्का सा इस तरीके से ब्लेंड करते हुए छोड़ देना है। हम एनवाईवे का कंसीलर लेंगे, थोड़ा सा कट क्रीज बनाएंगे। इस टाइम में कट क्रीज में बहुत ज्यादा बना रही हूँ। हल्का हल्का सा ब्लेंड आउट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ये आप कट क्रीज बनाइए, आराम से बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, तभी आपकी कट क्रीज अच्छे से बनेगी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा सेट कर लेंगे, सेम वही एनवाईवे के कॉम्पैक्ट से हम सेट कर लेंगे, सेट लेंगे। ये देखिए फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से आपको आईलेट पे लगा लेना है। ये देखिए हल्का सा टच दूंगी, कलर लेंगे ये वाला, फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करेंगे। देखिए ब्रश लेंगे और अपना ये ब्लैक वाला सेट लेंगे, हल्का सा जस्ट ब्लैक, और ये इन दोनों को टच करेंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा निकालते हुए हल्का सा आपको ब्लेंड आउट करना है। एनवाईवे का लाइनर, तो गाइस अच्छे से आपको लाइनर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं विक लाइनर अप्लाई करूँगी, साथ ही साथ इसी लाइनर से काजल भी अप्लाई करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। और आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी डिस्प्ले है ख़राब, मेरी डिस्प्ले यानी कि वाइट हो चुकी है, और कहीं पे वाइटनेस आ रही, कहीं पे कलर डल हो जा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। फ़ोन को मुझे देना है रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो ये मेरा फ़ोन कुछ दिन तक मेरे पास नहीं रहेगा, और वीडियो देखते हैं कब तक जाती है ये वाली। इसके बाद मैं लगाऊंगी एनवाईबे का सीरम, और ये इसमें मिला है विटामिन सी, बहुत ही अच्छा सीरम है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है। मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, अच्छा सीरम है, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल ही लाइट वेट है, चिपचिपापन इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है, काफी अच्छा होता है सीरम। और सीरम को हमेशा हल्के हाथ से लगाना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। बाद हम लगाएंगे लैक्मे का मॉइस्चराइजर थोड़ा सा, और आपको बताइए कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि लैक्मे ब्रांड जो है ना शुरू से यूज कर रही थी, इसलिए मुझे मेरा फेवरेट है। अभी मैं मॉइस्चराइजर के लिए कुछ भी नहीं यूज कर रही हूँ, तो
मेरा सेकंड ऑप्शन कैसा होगा? अभी तो यही है फर्स्ट ऑप्शन। आज मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल ग्रीन है, जो है सौंदर्य का पतंजलि, यानी कि क्योंकि क्या होता है ना, प्राइमर बहुत दिन से मैं लगा रही थी, मैंने कहा यार एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ये देखिए हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और एक लेयर सी बना देता है, यानी कि प्राइमर का काम करता है। तो हल्का हल्का सा आपको अप्लाई करना है और इसको छोड़ना पड़ेगा आपको एक से दो मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए और आपकी स्किन में एक लेयर बना दे, है ना, इस तरीके से। तो हमारी स्किन में एक लेयर भी बन गई, जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए हम इसको छोड़ देते हैं। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन, इसमें मैं मिक्स करूंगी अपना लैक्मे का फाउंडेशन। उसके बाद ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है यहाँ पर और हम इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे। इसकी कवरेज जो है ब्लू हेवन की कवरेज उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, इसलिए मैंने इसमें ये वाला फाउंडेशन यूज किया है। ये भी बिल्कुल, इसकी भी कवरेज उतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है, बट ब्लू हेवन से थोड़ा सा ठीक है, इसीलिए इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों को अच्छा सा मैंने फाउंडेशन बना दिया, जो हमारी स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से जाएगा। ये देखिए हल्के हल्के से आपको ब्लेंड आउट करना है, काफी अच्छा फाउंडेशन बन जाता है इस तरीके से करने से। आपको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है और ये वाला जो ब्लू हेवन का यार ब्लेंडर है, अगर आप इसे जो ट्राई करते होंगे वो जानते होंगे, ये देखिए इतना ज्यादा ये सॉफ्ट है ना, मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं इसी को यूज कर रही हूँ। अपनी अपनी चॉइस होती है बस उसी हिसाब से। अब हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने लिया एमवाईबे का कंसीलर, मेरा शेड है 7। आप चाहें तो ब्राउनजर भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी डार्क शेड का फाउंडेशन है वो भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से, जैसे आप कंसीलर करते हो ना, सेम उसी तरीके से कॉन्टोर यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर से। ये देखिए हल्के हल्के से आपको ब्लेंड आउट करना है, काफी इजिली ये ब्लेंड हो जाता है क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप देख रहे हो कितनी अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है। और अगर आपका ब्लेंडर अच्छा हो तो फिर तो माइंड ब्लोइंग। तो ये वाला जो मेरा ब्लेंडर है काफी अच्छे से ब्लेंड आउट भी कर देता है। पता है कि नोज पे मैं हमेशा फिंगर से ही करती हूँ, मुझे फिंगर से ही पसंद है। क्या करेंगे, हिमालया के बेबी पाउडर से अपने पूरे फेस को सेक कर लेंगे, एक स्पंज की हेल्प से जो आपके उसमें आता है कॉम्पैक्ट में, उसी की हेल्प से अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। पहले मैं आई के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लूंगी, ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से मैं हल्का हल्का सा लगा कर छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए। और अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम ये वाला जो हमने कलर अप्लाई किया था, ये वाला और ब्लैक, इन दोनों को मिक्स करके हल्का सा ब्लेंड आउट करेंगे। कैसे आपको ब्लेंड आउट करना, ये देखिए जस्ट हल्का हल्का सा लाइटली करना है, ज्यादा नहीं। अप्लाई करेंगे एस्की का व्हाइट काजल, अंदर अप्लाई करेंगे, बाहर नहीं, बाहर हमने लाइनर लगाया था तो इसको हम ये अंदर यहाँ पे इस तरीके से देखिए हल्के हल्के से आपको अप्लाई करना है। अब हम अपना कॉम्पैक्ट जो हमने जो लगाया था पाउडर उसको हम अच्छे से सेट करेंगे, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा था उसको निकालेंगे और बाकी जगह पे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा हमने लगाया था उसको निकाल लेना, बाकी जगह पे आपको अच्छे से सेट कर लेना है। ले रही हूँ अपना शिव्स बेटी का पैलेट, आज मैं बिल्कुल लाइट ब्लशर लगाऊंगी, ये वाला बिल्कुल लाइटली हल्का सा, जस्ट ये देखिए जस्ट हल्का सा। के लिए मैं ये वाला पैलेट ले रही हूँ आज, ये ब्रश अभी न्यू है तो मेरे हाथ लगने में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन जब आपके हाथ में सेट हो जाता है ना तो फिर आपकी आदत हो जाती है। ये देखिए ये आपके चिक के लिए, फोरहेड के लिए तो अच्छा है, बट नोज पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। येलो टोन वाला इनर कॉर्नर से इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी हल्का सा जस्ट। इनर के लिए मैं ले रही एडियस का लिप लाइनर और यहाँ पर अच्छे से मैं अपने लिप्स पर लिप लाइनर अप्लाई कर लूंगी। लिपस्टिक की मैं ले रही पर्पल की लिपस्टिक, मेरा शेड नंबर है 2। कितना अच्छा कलर है इसका,
पर्पल की लिपस्टिक वाकई में माइंड ब्लोइंग है। सेम इसी कलर की मैंने लगाई थी, मुझे नहीं याद है सेम इसी कलर की, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। तो ये पर्पल की है, ये भी बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी महंगी है। वो वाली शायद 200 की थी, ये 400 के राउंड है। तो मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, सेम कलर वही है। लगाऊंगी अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो बस गाइस, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे मैंने मंगलसूत्र भी डाल लिया है, अगर आपका रिसेप्शन है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी शादी हुई है तब भी वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने सारी अपनी ज्वेलरी पहन ली, चूड़ियाँ पहन ली हैं, और अब हमें रखना है सर पर पल्लू। अगर आपका रिसेप्शन है तो आप ये वाला पल्लू स्किप कर सकते हो, आपकी जो चूनर होती है जो शादी में उड़ाई जाती है वो भी रख सकते हो, आप बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। और ये मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी लगी हो या आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, तो वो भी बताइएगा कैसा लगा। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, यानी कि पूरा ड्रेस वाला, जो मैंने बोला था कि मैं पूरी ड्रेस आपको दिखाऊँगी, तो कुछ इस तरह की है। बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, बाय बाय।